आज हम बायोलॉजी के अंदर प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर प्लांट किंगडम में बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट्स है। एक तो है बॉटनी, जिसको हम वनस्पति भी कह सकते हो, और दूसरा है जूलॉजी। ओके, पहला कौन सा है बायोलॉजी के अंदर? एक बॉटनी, जिसको हम वनस्पति कहते हैं, और दूसरा है जूलॉजी। अब बॉटनी और जूलॉजी के जो फादर्स हैं, जिसको हम फादर ऑफ बोटानी, कौन है? थियो फ्रेस्टस। ओके, इसको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी को, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस, एंड हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? इट इज़ एन एरिस्टोटल। ओके, तो हम बात करेंगे बॉटनी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे कि बॉटनी की डेफिनेशन क्या है। सो बॉटनी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट एंड देयर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, सो व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी इज नथिंग बट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। मीन्स हम क्या पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज पढ़ेंगे, प्लांट पढ़ेंगे, और उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उसके बारे में हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। उसको कहते हैं बॉटनी। ओके, सो बॉटनी इज नथिंग बट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट एंड द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है इकलर। उसने बॉटनी वर्ल्ड को क्लासिफाइड किया। इकलर है क्लासिफाइड द बॉटनी वर्ल्ड। ओके, आपको अब क्या पॉइंट याद रखना है? हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। एंड हु हैज़ क्लासिफाइड द बॉटनी वर्ल्ड? इकलर हैज़ क्लासिफाइड द बॉटनी वर्ल्ड। सो उसने पहले बॉटनी वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है क्रिप्टोगेमस, फर्स्ट वन इज क्रिप्टो गेमस। ओके, एंड सेकेंड वन इज फेनेरो गेमस, फेनेरो गेम्स। ओके, सो दो पार्ट के अंदर डिवाइड, क्रिप्टो गेमस और फेनेरो गेमस। अब क्रिप्टो गेमस क्या है? प्लांट विदाउट सीड, जिसमें सीड नहीं है। अब प्लांट विदाउट सीड इज नोन एज अ क्रिप्टो गेमस, एंड फेनेरो गेम्स मीन्स प्लांट विथ सीड, मीन्स जिसके अंदर सीड्स होंगे, बीज होगा, उसको क्या कहेंगे? फेनेरो गेमस, फेनेरो गेम्स। ओके, और क्रिप्टो गेमस किसको कहेंगे? जिसके अंदर बीज बिना प्लांट, मीन्स प्लांट विदाउट सीड। अब क्रिप्टो गेमस में और तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है थैलोफाइटा। सबसे पहला पार्ट क्या है? थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा, एंड तीसरा है टेरिडोफाइटा। ओके, सो पहला क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्रिप्टोगेमस के तीन पार्ट्स है। और फेनेरोगेमस में भी और दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मीन्स इसमें विदाउट कवर सीड, सीड होगा लेकिन विदाउट कवर होगा, इसको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। और दूसरा है एनजियोस्पर्म, एनजियो स्पर्म मीन्स जिसमें सीड के ऊपर कवर होगा, विथ कवर सीड।
ओके, अब एंजियोस्पर्म में भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक मोनोकोटिलीडॉन और दूसरा है डाई कोटिलीडॉन। मोनोकोटिलीडॉन मीन्स एक सीड वाला प्लांट और ये दो सीड, जिसमें दो सीड होंगे इसमें एक सीड होगा। ओके, सो बॉटनी वर्ल्ड को किस कितने पार्ट में डिवाइड किया है? क्रिप्टोगेमस, दूसरा है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेमस किसको कहेंगे? ऐसा सीड मीन्स ऐसा प्लांट जिसमें सीड नहीं है, जैसे कि आलगी हो गया, फंगी हो गया। थैलोफाइटा में इसको हमने डिवाइड किया है एल्गे और फंगी, जिसमें सीड नहीं होते। वैसे ही क्रिप्टोगेमस में तीन पार्ट को डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगेम्स को डिवाइड किया है। फेनेरोगेम्स किसको कहेंगे? जो ऐसा प्लांट जिसमें सीड होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसको कहते हैं? विदाउट कवर सीड, जिसमें कवर नहीं है सीड के ऊपर, और ये एंजियोस्पर्म मीन्स सीड के ऊपर कवर होगा। और एनजियो पार्ट को, एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन। अब हम इसके डेफिनेशंस देखेंगे।